भाई सी द्रौपदी जी सी द्रौपदी जी सी एक मेरी अपनी बेटी सी उन्हें कुछ भी नहीं छड़िया उन्हें तीन किलिया के नाल धरू के खड़ा उन्हें नहीं सोचा कि छे जाना मैं किसी की जान ही बचा लव मैं किसी के दर्श खा लव मेरी धी नौवीं च पढ़ती सी दसवीं च होना सी उन्होंने एडी सोहनी सी जी उन्हें कख नहीं आता छड़िया है मेरा वीर तो 26वें साल च मेरा वीर ब्याह से आई है बस मेरे वीर की उम्र भी कोनी सी मेरे भतीजियां भतीजे निके निके मेरे भतीजियां भतीजे सी जो मेरे को एडे चावा नाल आंदे सी उन्हें इन्ना नशा किया कि छड़ गल तो उन्हें अपनी गड्डी नहीं सी संभलन दी जो गड्डी लैके आया सी वो भी उन्हें को नहीं सी संभलन दी है उन्हें फांसी होनी चाहिए है तुहाडा अल्लाह का वास्ता करके सानू साफ दुआ दो सानू साफ दुआ दो अल्लाह का वास्ता करके बस बहन याद आती है कितनी याद आती है बोती जब याद आती है तो क्या करती हो रोते रोते हो ना सदमा सारी जिंदगी है साड़ी इन्नी उम्र हो गई है तो वेख्या ही नहीं ये जेड़े वेखे ने बच्चियां दे ते बच्चियां दे कोई हाल ही नहीं किसी की अख को नहीं किसी की लत को नहीं लत्ता ना बाहां सारियां ਸਥਿਤੀ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਈਏ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਲੋਂਦਾ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੀ ਧੋਣ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੋਣ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਜੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਆ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੋ ਥੀ ਉਸਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਮੇ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆ ਥਾ बाप समेत उसके चार बच्चे और उसकी बहन जी थी उनको गाड़ी के नीचे कुचल दिया था और उनकी जिंदगी का खात्मा कर दिया था। आज हमारी उस वीडियो को देखकर उसकी जो बीवी है उन बच्चों की जो माँ है उसकी हमें कॉल आई है कि भाई आपकी हमने वीडियो देखी है और हमें उम्मीद लगी है कि आपकी वजह से हमें कुछ इंसाफ मिल पाएगा क्योंकि उनका ये भी कहना था कि पुलिस हमें इंसाफ नहीं दे रही हम धक्के खा रहे हैं हमारे छह लोग जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार गए हैं लेकिन हमें पुलिस बिल्कुल तावन नहीं कर रही है लिहाजा आज हम उनकी तरफ जा रहे हैं अभी और उनकी बकायदा वीडियो जो रिकॉर्ड करेंगे आपको दिखाएंगे बड़े मनाजर होंगे बड़े दर्दमंदाना उन्होंने अपील की हमसे कि आप हमारे साथ एक दफा मुलाकात करें मजीद आपको दिखाते हैं बहुत जल्द जो शहजाद नामी जो नौजवान था जिसके के चार बच्चे मोटरसाइकिल पर सवार थे और एक उसकी भांजी इकरा जो साथ सवार थी मोटरसाइकिल पर इकरा के घर हम पहुंच चुके हैं। इकरा की वालदा इकरा के मामू और फौत होने वाले चार जो बच्चे हैं उनके चाचा और शहजाद का छोटा भाई हम उनसे भी बात करते हैं उनसे जानते हैं कि आपको इंसाफ मिल पा रहा है आप हमारी आवाज़ बने हैं इनकी आवाज बने हैं इस वीडियो में भी इनकी आवाज बने इसको हाईलाइट करें आला हुकाम तक पहुंचे चीफ जस्टिस तक पहुंचे आर्मी चीफ तक पहुंचे प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे वजीर आला पंजाब तक पहुंचे ताकि इनको इंसाफ मिल सके।
जब आपको ये पता चला कि एक्सीडेंट हो गया है, आपके दिल में कुछ गुजरी तो होगी? गुजरी है इसी के बस उतो से इधर आ गए सा पेंड उतो ते इत्थे आ के वेख्या भाई नू ते वेख्या नहीं सी गया हैगा बस। भाई के बाद जो आपके चार भतीजे उन्हां दा भी यही हाल सी भाई, किसी दी लत नहीं सी है, किसी दा सिर नहीं सी है। इतना जालम कि एक एक्सीडेंट होता है और 600 फुट तक वो घसीट चले जाता है। इस तो अगले भाई गल नहीं आती। आज हम शहबाज की बहन के घर में मौजूद है, क्या सूरत हाल है उससे जानते हैं। बाजी ना रहा भाई, ना रहे भतीजे चार, ना रही बेटी। भाई सी दो भतीजे सी, दो भतीजियां सी, एक मेरी अपनी बेटी सी, उन्हें कुछ भी नहीं छड़िया, उन्हें तीन किलिया से नाल तुरू के खड़ा, उन्हें नहीं सोचा कि छे जाना मैं किसी की जान ही बचा लवा, मैं किसी से तरस खा लो, उन्हें किसी से भी तरस नहीं खादा, उन्हें किसी से भी नहीं तरस खादा, असि उन्हें कि तरस खाई हूँ, उन्हें कि करी, उन्हें इन्नी शराब पीती से उन्हें अपनी गड्डी की होश नहीं सी, मैं गड्डी किस तरह चलानी, गड्डी किस तरह चला के उतो तक खड़ा, उतो तो कोई गड्डी नहीं संभली जान दी, तो उन्होंने कि संभलना से उन्होंने, उन्हें किसी से गर्दन लाती किसी कुछ, उन्हें किसी का कुछ नहीं जानी, और अपने भतीजिया भतीजे का मूँह तक नहीं वेखिया, उन्होंने मूँह ही नहीं वेख सके, उन्होंने मूँह ही चल वेख लिए, ये हालात उन्हें घर छड़े से कितने को कितने सुटे से उन्हें। मेरी धी नौवीं च पढ़ती सी, दसवीं च होना सी, उन्होंने नूर फातमा ने एक माँ और हमारी बहन है ये, और एक बेटी और चार बच्चे भतीजे, एक भाई जो कि इस दुनिया में नहीं रहा, उसको कितनी सजा, कैसी सजा मिलनी चाहिए? और फांसी तो कम होना चाहिए, और फांसी तो थले कोई नहीं होनी चाहिए, साड़ी कोई भी नहीं गल सुन दे, असं इन्ने जोगे भी नहीं है कि जाकर उन्हें कुछ कर सकी, उन्होंने भैन कंजरिया ने सारा कुछ कर सकती, असं कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी साड़ी कोई भी नहीं गल सुन दे, असि बड़े गरीब हाँ, असं नहीं कुछ भी कर सकते हैं। करदना कटिया मेरी अपनी धी की, तीन थावान तो लत टुटी, लत टुट के बहर आ गई सी, मेरी धी बहर आ गई, मेरी धी की हड्डी टुट गई, मेरी धी एड्डी सोहनी सी जी, उन्हें कख नहीं आता छड़िया है, मेरा वीर तो 26वें साल मेरा वीर ब्याह से आई है बस, मेरे वीर की उम्र भी कोनी सी, मेरे भतीजिया भतीजे निके निके मेरे भतीजिया भतीजे से जेड़े मेरे को एडे चावान नाल आए, उन्हें इन्ना नशा किया कि छठ गल तो उन्हें अपनी गड्डी नहीं समझी, जो गड्डी लैके आया सी वो भी उन्हें को नहीं समझी है, नहीं समझी है वो भी गड्डी, उन्हें कुछ नहीं सोचा है साडा, सानू इंसाफ चाहिए बस, जिदा मर्जी सानू इंसाफ ही चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए है, साडा अल्लाह का वास्ता करके सानू इंसाफ दवा दो, सानू इंसाफ दवा दो, अल्लाह का वास्ता करके बस सानू इंसाफ चाहिए। ये नन्ना बच्चा मोहम्मद अजान, इसकी थी वो बहन जो कि इस दुनिया में नहीं रही। अजान क्या हाल है? ठीक। बहन याद आती है? कितनी याद आती है? बहुत। जब याद आती है तो क्या करती हो? रोते हैं। रोते हो? इसका चेहरा देखें जरा, क्या इसकी बद्दुआ नहीं लगेगी? तुम्हारा दुनिया में कुछ नहीं रहेगा, तुम्हें दुनिया में भी आखिरत में सजा मिलेगी, ये देखें। अच्छा बाजी ये बताइएगा कि जो शहजाद है आपका भाई और आपके भतीजे और आपकी बेटी, आपकी बेटी उनके यहाँ लाहौर में गई हुई? हाँ जी, उन्होंने पास गई सी, लाहौर गई सी, उन्हें छड़न वास्ते आन दिया सी, आन भी अपने हाथ दिया सी, इन्हें नशा बड़ा किया सी, नशे दे विच जाके उन्होंने विच मारी इन्हें गड्डी, फिर इन्हें गड्डी रोकी भी नहीं है, तिना किलिया दे नाल तुरुंदा उन्होंने नाल ही लै गया। आपका जो भाई है मोटरसाइकिल पर आपको मिलने के लिए आ रहा था, क्या मोटरसाइकिल खतरनाक सवारी नहीं है? हाँ मोटरसाइकिल तो लेके आन दिया कि नहीं लै सकते, गरीब से बहुते असि माड़े है। एक तरफ हुक्मरान है जिनके एक गाड़ी के साथ 20-20 गाड़ियां होती हैं प्रोटोकॉल पे, एक वो शख्स है जिसके पास कोई गाड़ी नहीं है और एक मोटरसाइकिल पर 6 लोग आ रहे हैं, एक खुद, 4 बच्चे, 1 भांजी, ये हालत है हमारे पाकिस्तान की। एक तरफ अशराफिया है और एक तरफ गुरबत में पिसे हुए लोग। उन बच्चों के अंकल शहजाद के कजन मौजूद हैं जिन्होंने जब एक्सीडेंट हुआ तो ये मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने क्या देखा? देखा क्या, हमने तो हिम्मत नहीं पाई सी भी उन्होंने चकन दी,
ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਲੋਂਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਧੋਣ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਕਿੱਲਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੋਣ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਜੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਆ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੋਰ ਕਰੋ, ਗਾਂਵ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਦੱਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਸਮਤ ਆ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਸਮਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੁੱਤ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਗ-ਜ਼ੈਗ ਕਰਦੀ, ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਚ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਪਰਾਡੋ ਗੱਡੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਰਦਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਆਮਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧੁੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੈਲ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਕੋ ਗੁਸਲ ਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਦੇਖਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਉੱਠੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਦਮਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਦਮਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਬਾਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠਿੱਤੀ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਈਏ। ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਕੀ ਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਔਰ ਹਮ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਕਿਸ ਕੇ ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ। ਗਰੀਬ ਖਾਨਦਾਨ ਕੇ ਜੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੋੜ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਨਕਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜਾਏ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਆਪਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਵੀਡੀਓ ਇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕੀ ਕਾਲ ਪਰ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਤੇ ਤੋ ਹਮੇ ਕਿਆ ਪਤਾ ਥਾ, ਅਗਰ ਆਪ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਤੇ ਤੋ ਇਨਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਥੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਆਜ ਇਨਕੇ ਗਾਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੀ ਆਪਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਰਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਪੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਲਾਈਕ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇਨਕੋ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।